हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि किसी बार मैग्नेट के पास कंपास नीडल को लेकर लाया जाता है तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, और हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि आखिर वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। तो साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये बताया कि जो मैग्नेट है वो अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करती है। मैग्नेट अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करती है और वहां पर कंपास नीडल पर फोर्स अप्लाई होता है। उस रीजन में जहां पर कंपास नीडल फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द कंपास नीडल। और आप ये भी देख सकते हैं कि कंपास नीडल बार मैग्नेट के साथ टच नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होती है तब भी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। जो फोर्स दूर से ही अप्लाई होते हैं उनको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स, जस्ट लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो फील्ड फोर्स, राइट। और हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये भी डिस्कस किया था कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि चार्जेस एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, वो भी दूर से ही रिपेल हो जाते हैं, दूर से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स दे आर आल्सो फील्ड फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड आल्सो अ फील्ड फोर्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम मैग्नेट के पास एक कंपास नीडल को लेकर आते हैं तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। व्हाई? बिकॉज कंपास नीडल इज आल्सो अ बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट। इट हैज आल्सो टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड वी नो दैट वेरी वेल, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो अब हमको देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं, तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और वो कौन सा पैटर्न बनाता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी की गई। एक्टिविटी में ये कहा गया कि आप एक बार मैग्नेट लीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पर बार मैग्नेट को रख दीजिए और उसके आसपास आयरन की फिलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि जो आयरन फिलिंग है उस पर मैग्नेट फोर्स अप्लाई करती है और आयरन फिलिंग्स अपने आप ही एक पैटर्न में बन जाती है। आप देख सकते हैं कि आयरन फिलिंग ने पैटर्न बनाया हुआ है। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि ये जो पैटर्न बना है ये किसके कारण बना है? मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और वो मैग्नेटिक फील्ड हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जो इस आयरन फिलिंग्स ने एक पैटर्न के थ्रू बनाया है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है और इसके बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया था। इस पैटर्न को अगर आप रियली में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यदि आप आयरन फिलिंग के साथ बनाते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट के पास कंपास नीडल लेकर जाते हैं और कंपास नीडल डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं यदि हम कंपास नीडल को यहां पर रखते हैं तो कंपास नीडल का साउथ पोल अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द नॉर्थ पोल, राइट। सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अगेन वी पुट कंपास नीडल हियर, इस बार हम कंपास नीडल यहां पर रखते हैं, तो सिंपल सी बात है, साउथ पोल इस साइड आएगा नॉर्थ पोल की साइड एंड नॉर्थ पोल इस साइड आएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल रिफ्लेक्ट है। सिमिलरली हम कंपास नीडल को यहां पर रखते हैं, उसके बाद कंपास नीडल यहां पर रखते हैं और एंड में यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल है, कंपास नीडल का नॉर्थ पोल वो एक तरह से आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो वही डायरेक्शन होगी इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव। जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल का नॉर्थ पोल मूव करता है वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। आप इस कंपास नीडल को नीचे भी रख के देख सकते हैं इस साइड में, ठीक है, तब भी यही होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल,
साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। यदि आप यहां पर मार्क कर दें, यदि आप यहां पर मार्क कर दें पोजीशन को, पोजीशन को यदि आप मार्क कर दें तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन के आती है। आई बात समझ में? जैसे कि मैंने नीचे दिखाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगे बेटा नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी बन जाएंगी। और ये हमने कैसे करी है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर कंपास हैंडल को रखने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई है, राइट। इसको यदि हम आयरन फिलिंग से बनाते हैं तो वहां पैटर्न आता है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व ज्यादा बेटर तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन यदि हम कंपास हैंडल रखते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से हम पैटर्न बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो आप देखिए द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से निकलती है? नॉर्थ से। और कहां पे जाकर मिलती है? साउथ पोल पर। हम यहां पे एंड नहीं लिखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है, इस टाइप का क्लोज लूप बनाती है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यदि हम इनसाइड की बात करें तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों होता है वो भी आप देखिए। सपोज दिस इज वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेट के द्वारा फोर्स अप्लाई हुआ है और इसी डायरेक्शन में कंपास हैंडल का नॉर्थ पोल मूव करता है, राइट। इट मींस इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ द कंपास हैंडल, राइट। सिमिलरली इस टेंजेंट के यहां पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बताएगा डायरेक्शन ऑफ कंपास हैंडल, राइट। तो एक ही पॉइंट पर कंपास हैंडल की दो डायरेक्शन हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर कंपास हैंडल दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता क्योंकि एक ही पॉइंट पर कंपास हैंडल पर टू डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। सो नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो पोल पर लार्ज है, पोल पर ज्यादा है। आप देख सकते हैं पोल पर ज्यादा है क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास है। इट मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी लार्ज होगा और यहां पर लगने वाला फोर्स भी लार्ज होगा। इट मीन्स ये पार्टिकल को या आयरन को या कंपास हैंडल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन यदि आप बात करें मिडिल की, आप यहां पे देख सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर आ गए। इट मीन्स यहां पर कम फोर्स अप्लाई होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। आप दूसरे पोल पर भी देख सकते हैं कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो लार्ज है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होने का मीनिंग है कि वहां पर फोर्स लार्ज है, यहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पोल्स इज ग्रेटर देन एट द मिडिल। मैग्नेटिक फोर्स पोल पर ज्यादा अप्लाई होगा, मिडिल में कम अप्लाई होगा। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय अ मैग्नेट, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय आयरन फिलिंग्स एंड बाय कंपास हैंडल ऑफ अ बार मैग्नेट। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द नेक्स्ट वीडियो।
we will discuss magnetic field due to a current carrying state conductor. और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू क्लास.